Assalamu alaikum. Good morning, students. How are you? Hope you all will be fine by the grace of Allah. Now let's start our next lecture. Unit number 2, citizenship. Citizenship means shahriyat, mean nationality. जहाँ आप रहते हैं वहाँ की nationality. For all to use, सब के इस्तेमाल के लिए. Your house is on a street. आपका घर गली में है. On the people who live near your house are your neighbors. कि लोग जो आपके घर के नज़दीक रहते हैं वो क्या हैं, आपके हमसाए हैं, पड़ोसी हैं आपके. ऑल द पीपल लिविंग इन वन प्लेस फॉर्म अ कम्युनिटी, कि कुछ तमाम लोग जो एक ही जगह पे रहते हैं वो एक कम्युनिटी है, एक बरादरी है. द कम्युनिटी कैन बी अ विलेज, अ टाउन और अ सिटी. कि कम्युनिटी हो सकती है गांव, हो सकता है कस्बा या शहर. The people of a country are its citizens. लोग जो किसी भी एक मुल्क में रहते हैं वो वहाँ के शहरी कहलाते हैं, शहरी होते हैं. We are पाकिस्तानी citizens, हम पाकिस्तानी शहरी हैं. Every community has things which are shared by all the people. कि हर community में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तमाम लोगों की मुश्तरका होती हैं, यानी तमाम लोग उसे शेयर करते हैं. The house in which you live मे बी योर ऑन, के घर जहाँ पे आप रहते हैं मे बी के वो आपका अपना हो, बट द स्ट्रीट इज नॉट, लेकिन गली जहाँ पे आप रहते हैं वो नहीं. यू शेयर द स्ट्रीट विद अदर पीपल, आप वो गली दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं. एज अ सिटीजन ऑफ योर विलेज, टाउन और सिटी, यू शेयर दैट प्लेस विद द अदर पीपल इन इट. किसी भी शहर, गाँव या कस्बे के शहरी होने के नाते आप वो जगह जो है वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं. यू शेयर मैनी अदर थिंग्स टू, कि आप दूसरी भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो शेयर करते हैं. शेयरिंग दीज थिंग्स मीन्स दैट वी मस्ट आल्सो शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम, कि ये चीज़ें शेयर करने का मतलब है कि आप बहुत सी जिम्मेदारियाँ भी बांटते हैं. सिटीजनशिप इन्वॉल्व्स पीपल एक्टिंग टुगेदर टू एड्रेस इशूज एंड इम्प्रूव सोसाइटी. के सिटीजनशिप इन्वॉल्व्स के किसी भी जगह की शहरियत के लिए लोगों का वहाँ पे शामिल होना, उनके तमाम मसाइल में शामिल होना और उनका हल निकालना और वहाँ की यानी मीन सोसाइटी में बेहतरी लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी वो लोग शामिल होते हैं. हियर आर सम थिंग्स वी शेयर विद अदर्स, कि यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें वो चीज़ें हैं जो हम दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं. स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, म्यूजियम्स, रोड्स, कॉलेजेस, स्ट्रीट्स, पार्क्स, इलेक्ट्रिसिटी, लाइब्रेरीज, फुटपाथ्स, क्लिनिक्स, शॉप्स, पोस्ट ऑफिसेज, यानी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम दूसरे लोगों के साथ सोसाइटी में रहते हुए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं. सम ऑफ दीज थिंग्स आर फॉर ऑल ऑफ अस टू यूज़, के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम तमाम लोगों के साथ शेयर करते हैं, यानी तमाम लोग हमारे साथ वो चीज़ें इस्तेमाल में लाते हैं. दे आर कॉल्ड सर्विसेज, वो क्या होती हैं, कि खिदमत होती है. सम लाइक द एयर आर फ्री, कि कुछ यानी जैसे कि हवा है वो फ्री है, कि वो तमाम लोग उसे इस्तेमाल करते हैं. सर्विसेज कैन बी प्राइवेट और पब्लिक. सर्विस क्या होती है, प्राइवेट भी होती हैं कि वो आपके अपनी ज़ात के मुतल्लिक होती हैं, और पब्लिकली जो हम तमाम लोगों दूसरे लोगों के की करते हैं. सर्विस कहते हैं ना खिदमत को. प्राइवेट मीन्स दे बिलोंग टू समवन, कि वो किसी एक के मुतल्लिक होती हैं, से ताल्लुक रखती हैं. पब्लिक मीन्स दे आर फॉर एवरीवन, कि पब्लिकली जो चीज़ हम सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो तमाम लोगों के लिए होती हैं, हर एक के लिए होती हैं. सम पीपल आर पेड टू क्लीन द स्ट्रीट्स और टू रिपेयर टेलीफोन लाइन्स और फिक्स इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स और टू डिलीवर मेल टू पीपल्स हाउसेज, कि कुछ लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो गलियों की सफाई का है, टेलीफोन लाइंस की मरम्मत है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फिक्स करना, या मेल्स की कोई जो मेल्स वगैरह आती हैं उनको उनकी फराहमी है जो लोगों के घरों में वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको. द पुलिस आर पेड टू प्रोटेक्ट अस, पुलिस हमें क्या फराहम करती है, हमारी हिफाजत. And फायर फाइटर्स आर पेड टू पुट आउट फायर्स. फायर फाइटर्स जो होते हैं जहाँ पे कहीं आग लगी हो तो वो अपनी सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं. हाउ आर दे ऑल पेड, कि वो कैसे ये सब कुछ देते हैं हमें.
एवरी पर्सन इज इन अ कम्युनिटी हैज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, के हर शख्स जो है जो कम्युनिटी में रहता है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है. अ हाउस ओनर पेज अ हाउस टैक्स एंड अ कार ओनर पेज अ रोड टैक्स, के जो घरों में रहते हैं लोग वो अपने घर का टैक्स पे करते हैं, जिनकी अपनी कार होती है वो रोड टैक्स जो है वो पे करते हैं. पीपल ऑल्सो पे इनकम टैक्स, के जो वो इनकम जो उनकी होती है लोग जो है वो उसका भी टैक्स पे करते हैं. मनी कलेक्टेड फ्रॉम टैक्सेस इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एवरीवन, के जो पैसे कलेक्ट करती है गवर्नमेंट टैक्स के तौर पे वो इस्तेमाल करती है हमें हर एक को ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. व्हाट इज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है. वी कांट ऑल मेक द रूल्स सो वी हैव एन इलेक्शन, कि हम ये तमाम उसूल नहीं बनाते बल्कि हम इलेक्शन कर होते हैं ना, इलेक्शंस के जरिए गवर्नमेंट बनती है. इलेक्शंस होते हैं, वी वोट एंड चूज पीपल हु विल मेक द रूल्स फॉर अस. ये रूल जो हम खुद नहीं बनाते उसके लिए हम इलेक्शन करते हैं, वोटिंग होती है और हम लोग चुनते हैं जो ये उसूल बनाते हैं हमारे लिए. दीज पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट, ये लोग जो हैं वो गवर्नमेंट होते हैं. The members of the government decide how much tax we have to pay and what services to provide. ये लोग जो हैं, ये members जो होते हैं government के, ये decide करते हैं कि हमने कितना tax देना है, यानी कितना tax pay करना है उनको और कौन सी services हमें provide की जाएंगी. They get people to do different jobs for the community. वो मुख्तलिफ जो है वो jobs नौकरियाँ जो हैं वो community में लोगों को देते हैं, फ्राहम करते हैं. आई होप आपको रीडिंग की समझ आ गई होगी. ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़.